नमस्कार, किचन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे नए और यूनिक हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, दूध में भीगी हुई सूजी का हलवा। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी बारीक सूजी लिया है। यदि आपके पास नॉर्मल सूजी हो तो आप उसे एक बार मिक्सर में घुमा लें, जिससे कि उसका टेक्सचर थोड़ा सा बारीक हो जाएगा। अब इस सूजी को एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। सूजी में ऐड करेंगे एक कटोरी रूम टेम्परेचर वाला दूध। पहले आधा कटोरी दूध डालकर सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप सभी चीज़ों को मेज़र करने के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें, उसी से ही सभी चीज़ों को मेज़र करें। अब बाकी का बचा हुआ दूध डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। एक चौथाई कटोरी दूध इसमें और ऐड कर लेंगे। इस तरह से सूजी में मैंने टोटल एक कटोरी प्लस एक चौथाई कटोरी दूध का यूज़ किया है। सूजी और दूध को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे फूलने के लिए रख देंगे। सूजी को अभी हमने भिगो कर रखा है, इसे फूलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक पैन में मैंने यहाँ पर एक कटोरी चीनी लिया है। इस हलवे के लिए हम सूजी जितनी क्वांटिटी में लेंगे, चीनी भी उतनी ही क्वांटिटी में हमें यूज़ करना है। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 4.25 कटोरी पानी लिया है। ये सूजी का हलवा है, इसलिए पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और इसमें धीरे धीरे उबाल आने लगा है। फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची का पाउडर, थोड़े से केसर के रेशे। केसर ऐड कर लेने से हलवे का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, साथ ही इसका कलर भी बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पर हमें हलवे के लिए कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। आप देख पा रहे हैं कि चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल गई है। अब हम गैस को बंद कर इसे साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पर 3/4 कटोरी यानी 1/4 कटोरी घी लिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा घी हम डालेंगे। तो अभी पैन में मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़े से कटे हुए बादाम, काजू और चिरौंजी। आप यहाँ पर अपनी पसंद के अनुसार और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब इसमें किशमिश ऐड करके इन्हें भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकालकर अलग रख लेते हैं। अब इसी पैन में 2 से 3 चम्मच घी ऐड करेंगे और घी को गर्म कर लेंगे। घी गर्म हो गया है, दूध में हमने सूजी भिगो कर रखी थी उसे इसमें ऐड कर देंगे। अब गैस के फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और इसमें लगातार चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि सूजी पैन के तली में बहुत जल्दी चिपकने लगता है। धीरे धीरे दूध ड्राई होने लगा है, जिससे ये डो के जैसा बनने लगा है। जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जाएगी ये ड्राई और दानेदार हो जाएगा। इस तरीके से सूजी का हलवा जब बनकर तैयार होता है तो नॉर्मल सूजी के हलवे से इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट और यूनिक होता है। एक बार आप इस तरह से सूजी के हलवे को जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब ये थोड़ा सा खिला खिला हो गया है, तो इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, सूजी यहाँ पर दानेदार और ड्राई हो गया है। इसे थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे, जिससे कि इसका कलर चेंज हो जाए। सूजी में ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन। इससे हलवे का टेस्ट और टेक्सचर दोनों बहुत बढ़िया आता है। बेसन और सूजी दोनों अच्छी तरह से भून गए हैं और इसमें बहुत बढ़िया सा कलर आ गया है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं है। जो चाशनी तैयार करके रखा था हमने, वो इसमें धीरे धीरे ऐड कर देंगे। इस समय गैस के फ्लेम को हाई पर कर देंगे। देखिए, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें लगातार चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि ये मिश्रण ड्राई ना हो जाए। धीरे धीरे मिश्रण गाढ़ा होने लगा है, अब इसे थोड़ी देर के लिए और चला लेंगे। हलवा लगभग रेडी है, इसमें से घी रिलीज होने लगा है। तो अब इस समय हम फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे। हलवा तैयार है, इसे मिक्स कर गैस को बंद कर देंगे। आप भी अपने घर पर इस यूनिक और नए तरह से सूजी के हलवे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। यह रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। साथ ही यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल किचन एटीएम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।